नमस्कार, मैं साधना, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र उदय पार्टी की सामाजिक न्याय रथ यात्रा पहुंची उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र में। राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल की अगुवाई में सामाजिक न्याय रथ यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है सक्षम अधिकारी को ज्ञापन। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज उन्नाव जिलाधिकारी को बाबू रामपाल अपने साथियों के साथ देंगे ज्ञापन। जैसे ही मोरावा स्थित मोतेश्वर मंदिर पहुंची सामाजिक न्याय रथ यात्रा, वैसे ही मोतेश्वर मंदिर प्रांगण जयघोषों से गूंज उठा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, राष्ट्र उदय पार्टी जिंदाबाद। बाबू रामपाल जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इस दौरान अशोक पाल, पूर्वा राजेश पाल, संतोष पाल, संजय पाल, भीखा पाल, जीतू पाल, राष्ट्र उदय पार्टी उन्नाव के जिला प्रभारी सुनील शर्मा सहित सामाजिक न्याय रथ यात्रा के स्वागत में लगभग 100 लोग उपस्थित रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, युवा और ये सामने रही माताएं और बहने, तो मैं संजीव कुमार पंडा, प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व विधायक प्रत्याशी सिराजपुर कौशाम्बी, अपने दिल की अनंत गहराइयों से और राष्ट्र उदय पार्टी परिवार की तरफ से कोट कोट वंदन अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परम सम्मानित आदरणीय बाबू रामपाल जी ने पिछले 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने जो एक संकल्प लिया था कि हम आने वाले 16 मार्च 2023 सूबेदार मल्हार राव होलकर जी के जन्म जयंती से एक सामाजिक न्याय यात्रा निकालेंगे, तो उस यात्रा को इन्होंने बखूबी सफलता पूर्वक मध्य प्रदेश आलमपुर भिंड से शुरू किया। सूबेदार मल्हार राव होलकर जी के जन्म जयंती से जो निरंतर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होते हुए इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर आदि तमाम जिलों से होते हुए, रायबरेली होते हुए, आज लखनऊ होते हुए आपके उन्नाव जिले में आ पहुंची है। और ये निरंतर 31 मई माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म जयंती तक चलेगी सामाजिक न्याय रथ यात्रा। तो यहाँ पे हमारे उन्नाव जिला के सभी पदाधिकारी जो बड़े ही जोश और खरोश के साथ में, उत्साह के साथ में राष्ट्र उदय पार्टी के सामाजिक न्याय रथ यात्रा के साथ चल रहे सभी लोगों ने यहाँ पे आज स्वागत किए हैं। स्वागत के कड़ी में हमारे बड़े भैया माननीय श्री पास समाज के अध्यक्ष राम सजीवन पाल साहब, राष्ट्र उदय पार्टी के उन्नाव जिला प्रभारी माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी, हमारे शुभ चिंतक परम मित्र हितैषी सदैव ऊर्जा देने वाले भैया संतोष पाल जी, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हमारे प्रिय भाई अशोक पाल जी, साथ में भाई पुष्पेंद्र पाल जी, और आप सभी दूर दराज से उन्नाव के कोने कोने से आए सभी महानुभावों का मैं अपने रथ यात्रियों की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज यह जो क्षण है, जो पल है, यह एक ऐतिहासिक पल है। जब राष्ट्र उदय पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में सामाजिक न्याय रथ यात्रा के चैप्टर में उन्नाव की धरती पे शाम को जो आप सभी लोगों ने मई महीने में कड़कड़ाते धूप में, मैं समझता हूँ कई घंटों से इंतजार करके राष्ट्र उदय पार्टी के सामाजिक रथ का आप लोगों ने स्वागत किए हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। साथियों,
रथ यात्रा के विषय में संजीव पांडा जी बता ही दी, आप लोग जानते भी हैं। संतोष भैया ने कहा कि उन्नाव की धरती है, खास करके पाल समाज जागरूक है, कई लोगों का साथ दिया, लेकिन हमारा तो ये देखना, हमारा मानना है कि ये उन्नाव उत्तर प्रदेश की राजधानी